कुछ दिन बाद इस गूगल पर डालेगा ना कि गमला चोर कौन है तो नीचे आएगा। जब मैं गाय की रोटी लेके आता हूँ तो मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि भाई दिखाने के लिए कि भाई गाय की रोटी लेके आया था, वीडियो बना ली। मैं इसलिए बनाता हूँ कि मेरी मम्मी देख लेगी कि हाँ भाई लड़के ने रोटी दे दी थी, गौ माता की रोटी दे दी है, गाय को मिल चुकी है, मम्मी को तसल्ली हो जाएगी। और मुझे बस इतना ही चाहिए होता है, मम्मी खुश रहे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब तो मैं अपने आप संभाल लूंगा। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक हो गए, मजे कर रहे हो गए। भाई एक बार ऑफिस तक जा रहा हूँ, अभी तक मुंह भी नहीं धोया है, एक आध काम आ गए थे उस चक्कर में। आज मैं सोच रहा हूँ कि आज नहीं आज कितनी तारीख हो गई, दो हो गई ना शायद, कल या परसों में मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ऐसा सीन बन रहा है कि मम्मी का भी कहीं घूमने जाने का प्लान बन रहा है, जतिन का भी कहीं घूमने जाने का प्लान बन रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि हम भी निकल जाएं कहीं घूमने के लिए, तो वो डिसाइड कर रहे हैं। एक लड़के ने, किसी ने मेरे को यूट्यूब पे, मतलब कल वाले व्लॉग में कमेंट कर रखा था कि भाई कहीं घूमने जाओ ट्रेन से, तो भाई वो मैंने पढ़ लिया वो कमेंट, ठीक है, मैंने उसका लाइक भी करा कमेंट, उस पर रिप्लाई भी करा, और वो आइडिया मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार सही कह रहा है भाई, ट्रेन से नहीं गया मैं कभी भी नहीं गए, तो अगर कहीं का सीन बना, भाई किस बात का स्लो मोशन दिखा रहा है, अगर किस कहीं का सीन बना ट्रेन से तो भाई मज़ा आ जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से शायद फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, जो भी हमें अवेलेबल हो उस टाइम पे, देखते हैं एक बार अभी आज बैठ के कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं। वैसे तो मन तो कर रहा था गोवा चला जाऊँ, क्योंकि कल गोवा की बात चल रही थी, फिर मैंने सोचा छोड़ो गोवा, तुम बहुत घूम चुके, मतलब मैं तो घूम ही लिया, तुम भी मेरे साथ साथ बहुत घूम चुके, कहीं और का सीन बनाते हैं। अगर ट्रेन से, कमेंट करके बताओ ट्रेन से देखना चाहोगे, हबीबी से, थार से, या फिर फ्लाइट से। अभी नहीं, अभी यार थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, निकल रहा हूँ मेरे को। भाई मैं ये सोच के बैठा था कि बियर्ड में बिल्कुल छोटी करवा लूँगा इतनी इतनी सी, पर फिर मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा नहीं ठीक है, बड़ी ही ठीक है, फिर भी मैंने बहुत छोटी करवा दी, पहले से तुम्हें फर्क दिख रहा होगा, अब ठीक है। मतलब थार का भी 0004 बहुत जल्दी आने वाला है भाई लोग, जतिन गया तो था कुछ करने, पता ना क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा, घर चल के उससे अपडेट लेते हैं। उसमें भी ये है ना कि HR 26 की जो गुड़गांव की जो सीरीज होती है वो थोड़ा जल्दी निकल जाती है। स्कॉर्पियो, अरे बस भाई वेलकम टू स्कॉर्पियो बस। हाँ तो गुड़गांव के जो नंबर होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं, जो 0 से लेके 100 तक जो नंबर्स होते हैं वो मिलते हैं चंडीगढ़ से, तो उसके चक्कर में टाइम लग रहा था। एक मन तो मेरा ये भी कर रहा है कि 0004 ना लेके कोई नॉर्मल नंबर ले लूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि नंबर ना गाड़ी पहचान में जल्दी आ जाती है, और फिर अगर तुम्हारी भाभी कभी लेके जा रही है गाड़ी तो फिर थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता, तो देखते हैं अभी क्या करेंगे। खराब हो गए क्या? चीज़ खराब हो गई? थर्मामीटर से जो लगाओ तुम, 4 साल पहले लाया था, 4 साल को डेढ़ साल, दो साल पहले, दो साल पहले लगा लो, 2 साल पहले लाया था, इसमें लेकर आया तो लिख में, चलो 1 साल पहले लगा लो, ठीक है 1 साल पहले लाया था, उसमें भी आपके पास वो है नहीं, अभी ढूंढना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो कहीं कूड़े में पड़ा होगा। नहीं है बेटा कूड़े में नहीं, पैकिंग में मत, हाँ हाँ जो पैक जो चीज पड़ी है, सामान जचा है ना उसमें इधर उधर हो गया, उसमें तो अलमारी थी बहुत सारी, उसी में ही रख रखा था, अब वो अलमारियों के चक्कर में काम, तो मतलब कि जब तक वो नहीं मिलेगा थर्मामीटर, जब तक वो थर्मामीटर नहीं मिलेगा तब तक हमारे घर में किसी का बुखार चेक नहीं हो सकता, नया मंगवाएंगे नहीं। काले वाले अंगूर नहीं है गाइस, ये हरे वाले हैं यार, पता ना मम्मी कैसा सा मौसम हो रहा है, ऐसा मन करे की खराब हो जाए, फेंकने पड़े मैंने कहा, अरे वो जो खराब ही बचे हुए होते हैं वो फेंकते हो आपने मना कर दी, मैं अकेला हूँ जो काले अंगूर खाता हूँ घर में, और मम्मी ने मेरे मनाई कर दी, बताओ मम्मी वो खा लेता, संतरे भी खा सकता हूँ वैसे, मतलब वैसा सा मौसम हो रखा है, दिन ऐसे चल रहे थोड़े से कि पीने की चीजें, मतलब लिक्विड वाली चीजें ज्यादा वो करने का मन करता, खाने पीने का वैसी चीजें कम है ना मम्मी, आपके साथ भी हो रहा है ऐसा, रोटी ऐसा हो रहा है कि रोटी कम खाओ, पीने की चीज़ ज़्यादा, जैसे संतरे हो गए, अंगूर हो गए, इनमें वो है ना जूसी चीज़ हो गई, वो चीज़ खाने में ज़्यादा मन करता है। एनीवेज तुम लोग भी अपने घर पे ऐसे बैठते हो इन पे कभी किचन में तो बताना कमेंट करके, क्योंकि मैं तो जब मम्मी के साथ बैठू किचन में तो ऐसे यहीं बैठ जाऊँ, बढ़िया ना है मम्मी, यार बढ़िया चीज़ तो है यहाँ बैठने की, ऐसे ऊपर आके बैठ जाओ, मम्मी यहाँ काम करती रहेंगी, यहाँ बैठ जाओ साथ में, तो ऐसा भी लगेगा कि हाँ भाई होमली होमली सा फील होता, कि नहीं क्या बना रखा है मम्मी, गट्टे की सब्जी, गट्टे की सब्जी स्पेशल, बेसन के गट्टे की, अच्छा नहीं लग रही, मतलब ऐसे हो रहा है कि कुछ खा लूं, अब मैंने इस चक्कर में मैंने इसमें से 2 लड्डू खा लिए, फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों खा रहा हूँ लड्डू, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई जबरदस्ती कोई, मम्मी मेरे अंदर भूत तो ना है, हो सकता है भूत है, तेरे अंदर भूत है, एक बार मेरा चेकअप तो करवा सकते हो, फिर भी क्या पता, मैं अभी 3-4 दिन पहले एक चौराहे पे गया था, मैं मीठा खा के एक चौराहे पे गया था, तो क्या पता वहां से कोई आत्मा वातो मेरे पीछे लग गई हो, अच्छा हो तो सकता है, वैसे नहीं हो सकता है, है ना, तो फिर एक बार मेरा चेकअप करवा दो, किसी बाबा बाबा को दिखाओ, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को मीठे खाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत मतलब बेफालतू, जैसे मतलब ऐसे कि
खाली बैठा हूँ तो ऐसे कि अरे यार ये लड्डू रखे चल खा ले, ये रखा है एक दो चीज़ और रखी थी मीठी देखी खा खत्म कर दी, ऐसा हो रहा है हमें झाड़ा लगेगा मेरे शायद किसी बाबा गोविंद मंदिर में झाड़ लगवाया। गोविंद मंदिर हमारे गांव का फेमस मंदिर है पुराना, वहाँ पे झाड़ा भी लगे हुए हैं। अच्छा जी बताओ, पहले पंडित था ना वो, अब तो मैं बहुत साल हो गए। अरे मेरे भूत चिपटेंगे क्या यार मम्मी, तो मेरे मजे ले रहे। और रोटी बना दो आप, बस दो दो रोटी बना दो ठीक है। मेरा मैं सोचा था चूरमा खा लूंगा, पर मेरा चूरमा खाने का मन ना कर रहा आज मेरे। उसके बाद फिर मेरे को ऐसा हुआ कि यार कुछ गड़बड़ है, शरीर ठीक नहीं है शायद। भूत होते तो चूरमा मानते, खुश हो जाते चूरमा के नाम से। क्या पता वैसा भूत हो, आजकल की जनरेशन वाला कोई भूत हो कि भाई चूरमा नहीं मतलब इनसे हजम कम हो रहा आजकल के लोगों से, वो तो हम कर ले हजम। तो परसों का है ना। हाँ मैं पुराने टाइम का होगा मतलब हमारी जनरेशन तक के लोग खा सकते हैं, जो अब है वो उनसे थोड़ा सा घी ये हैवी चीज़ कम पचती है, हमारी टाइम की अलग बात थी। अच्छा। क्यों भाई हैं भाई चूरमा खाएगी नहीं? चूरमा खाओगे तो फिर क्या खाओगे? खाना। खाना मतलब? आप तो नहाने जाने वाले थे। जा रहा हूँ ना अब, अरे भूख लग गई, अब भूख लग गई तो फिर मैंने सोचा, पहले भूख नहीं लगी दो दिन, मैंने सोचा थोड़ा कुछ खा के, और फिर दो दिन से नहीं एक दिन से नहीं आया हूँ, अब नहा रहा हूँ जाके बस। दो दिन नहीं हुए, तो कल भी रात को ही नहाया था और आज भी रात को मतलब ऐसे ही नहाऊंगा, अब शाम को ही नहाया था आज भी। ठीक है इसमें, अरे मम्मी दो दिन में कोई ज्यादा बड़ी बात है? बताना मेरा रिकॉर्ड छोड़, अरे मम्मी सच्चाई नहीं बताते, बचपन की बात है वो, बचपन की बात है जब बिल्कुल छोटा था तब। अब तो दो दिन मैक्सिमम होता था, और अब तो डेली जो नाये करता ना जब इसके लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए कर सबने पता पड़ जाता तो पुप छोरा ना रहा है। पापा का नाम और बता दो आप, मतलब ये असली नाम नहीं है, पप्पू तो कहे थे ये असली नाम नहीं है, ये वैसे निकनेम है, वैसे अनिल शर्मा, मिस्टर अनिल शर्मा, और पापा के हिसाब से अनिल कुमार शर्मा। इतना रोए करता दाता पूरा मोहल्ला इतनी के और मोन नुआ रहे हो के ए छोरा ना रहे के कहां भाई बान बैठ रहे हो ना के। पापा के तो बता दो, पापा का नाम अनिल शर्मा था ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखते थे अनिल शर्मा, नहीं लिखते थे ऐसे, लिखते थे अनिल कुमार शर्मा, और फिर साइन करने के टाइम पे एके शर्मा। मतलब जैसे पहले पुरानी फिल्मों में होता था ना कि भाई नाम थोड़ा ऐसे एस के सिंघानिया ऐसे कर कर पापा का एके शर्मा। क्या चाहिए? भूख लग रही है? क्या खाना है बताओ, बताओ क्या खाना है, वही बनवाता हूँ तुमसे, बताओ वही बनवाता। एक बार दिखा दे, बस एक बार दिखा दे क्या लिख रहा है इस पे, देख सबको मोटिवेट तो कर दो थोड़ा सा, एक बार दिखा, इधर इधर करियो थोड़ा सा, प्रमोशन नहीं करते। अरे एक बार वो लिखा हुआ दिखा रहा हूँ भाई, नेवर सेटल, ये दिखा रहा हूँ भाई, ये दिखा रहा हूँ ठीक है, कभी भी जिंदगी में इसका मतलब बता दे, इसका मतलब है कि कभी भी सेटल नहीं होना, ज्यादा से ज्यादा की वो रखनी चाहिए भूख, समझ रहा है, हैं ज्यादा नहीं। तेरा भाई दो दिन व्लॉग आया, तीसरे दिन व्लॉग क्यों नहीं आया ये बता दे बस। एक दिन मुझे भी चाहिए भाई। बस दो दिन में बिजी रहा तो एक दिन तो चाहिए। नहीं देख रहे मम्मी, आप कह रहे थे डेली करेगा, डेली हमें पता है ना, अब तू डेली करेगा एक दिन बाद, एक डेली। भाई देखो जोश पूरा इसमें अभी, लेकिन वही है अभी तो सीख रहा, आदरे तेरे तो वो सिखाऊं, जो क्लिप तू सीधी आ रही है वो सही करने सिखाऊं, सीख ली तू पहनावा कुछ ना सिखा तो, तूने पूछी मेरे से, मैं अपना आप सीख रहा हूँ दिमाग लगा रात में 3 बजे सो रहा हूँ। बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है अभी इसका जिंदगी में भाई, बहुत ही ज्यादा। गाड़ी को बता दे भाई, गाड़ी लेकर आ रहे हैं बहुत तगड़ी वाली, बहुत तगड़ी होंडा सिटी। भाई देखो छोटी गाड़ी चाहिए ठीक है, तो मैं इससे कह रहा हूँ, मैंने कहा क्या चीज, ओहो भाई तुम्हारे पास भी एप्पल के आए। ये सेम इसका तो वैसा बैठा था, टिंग डिंग डिंग डिंग, सैमसंग का पहले। गाड़ी का प्लान बन रहा है, 2-3 हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, एक बार देखने चलेंगे, या तो कल सुबह चलेंगे, जब भी चलेंगे तो मैं बता देंगे एक बार। गुड मॉर्निंग गाइज, भाई रात को एक छोटी सी दिक्कत हो गई, मैं क्या करता हूँ सुना दे दांत ले, मैं क्या करता हूँ कि रात को ना जैसे शूट करके फिर मैं या तो रात को व्लॉग एडिट कर लेता हूँ या सुबह व्लॉग एडिट करता हूँ, तो भाई रात को पता ना नींद के नशे में एडिट कर रहा था, और कुछ क्लिप्स मेरे से गलती से डिलीट हो गई, तो मैं देख रहा मैंने कहा एडिट कर रहा, मैंने तो पूरा शूट कर रखा था, पर आधा व्लॉग गायब हो गया था। खैर तुम्हें तो पता भी ना चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर मैंने बता दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा ईमानदार हूँ। एक चीज़ और भाई, एक चीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है कुछ भाइयों से,
आजकल क्या हो रहा है कि जैसे व्लॉग बनाते हैं तो पूरा घर वर सब कुछ दिखी जाता है सोसाइटी वोसाइटी, तो भाई कुछ भाई ना घर पे आ जाते हैं, है ना। तो भाई ऐसे मत किया करो, घर मत आया करो यार, थोड़ा सा ना अजीब लगता है। और फिर सोसाइटी पे जो ये गार्ड वार्ड होते हैं ये भी फिर ऐसे बोलते हैं कि सर लोग आते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, उनके लिए दिक्कत हो जाती है कि भाई मना करें हाँ करें बार बार फिर उनको मना कर देना तो ये सिक्योरिटी वाले फिर उल्टा सीधा बोल देते हैं कि भाई ये वो फलाना, तो उनके हो जाए कि इनके जो गेस्ट है वो ऐसा बोलते हैं, हमारे जो गेस्ट हैं वो गलत सीधा बोलते हैं, तो वो चक्कर हो जाता है। थोड़ा सा मिला करेंगे बीच बीच में, मैंने सोचा है कि थोड़ा सा हम मीटअप करा करेंगे, एक मीटअप गुड़गांव में भी करेंगे, एक जयपुर भी करेंगे, मतलब अलग अलग जगह पे करेंगे, पर ऐसे घर मत आया करो क्योंकि अच्छा नहीं लगता, कभी कभी अच्छा नहीं लगता। तो कभी मिलना होगा तुम वैसे मीटअप तो याद आया, यो की चल रहा है उसका एलिस का, यो मतलब गमला चोर। अच्छा वो भाई पब्लिक का थोड़ा सा दिमाग खराब हो रखा है, उसमें क्या सीन चल रहा है पूरा मैंने भी बाद में पता चला, मैंने तो एलविश तो मिला था जब बात भी ना हुई इस बारे में, बल्कि उसमें क्या सीन चल रहा है कि किसी और ने मतलब उसने किसी गाड़ी में वो गया होगा इलेक्शन ना मीटअप के चक्कर में, हाँ तो उसमें गाड़ी दिख रही थी, अब वो गाड़ी वाले ने कुछ उठा लिए होंगे गमले कहीं से, पब्लिक कह रही कि भाई मतलब पब्लिक ना कह रही, वो दो चार लोग जो थे क्या नाम है उनका रिपोर्टर पता ना जो भी थे, उन्होंने उसके ऊपर वो लगा रखा कि गमला चोरी का इल्जाम। मैं सोच रहा मैंने पब्लिक मेरे से और कह रही कि भाई तुम भी अल्पेश यादव के सपोर्ट में बोलो, मैंने कहा भाई सपोर्ट में पहली बात तो बोलने की कोई जरूरत नहीं इस चीज़ में, ठीक है। दूसरी चीज़ कि गमला ये आता 30 रुपये 50 रुपये 100 रुपये का है, उसकी कमाई महीने की पता तुम्हें कितनी है, वो गमला चुराएगा ऊट पटांग बात है, मतलब ऐसे ही कुछ भी बना रखी। वो होता है ना कि कुछ लोगों को कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें पसंद होती है, तो उसमें जबरदस्ती घुसने की वो होती है, तो कुछ लोग कूद गए होंगे उसके चक्कर में, फिर कई लोग कूद गए, पर कोई बात ना इससे हुआ क्या, कुछ भी ना हुआ, कुल मिला के बात पता चल गई, शायद हो गया ना वो प्रूव हो गया ना, प्रूव तो पहले ही है, प्रूव तो ना तो जो भी की बात है, हाँ हाँ जो भी है। तो ये था सारा मैटर, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात ना थी कि भाई क्या हो रखा क्या नहीं हो रखा, पर मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई पब्लिक कितनी खाली है, मतलब और भी कुछ नहीं तो कि गमला चोर, गमला चुरा लिया, बताओ वो अच्छा खासा अपना उसका सारा काम चल रहा है भाई, कोई गमला चुरा टैग दे दे पब्लिक एकदम और खतरनाक, इतना खतरनाक टैग कि करोड़पति गमला चोर, कुछ दिन बाद इस गूगल पे डालेगा ना कि गमला चोर कौन है तो नीचे आएगा इतनी वो डाल दे साइट वाइट पे काम होगा, हाँ तो वो सर्च कर करके लोग ऐसे ऐसे करके सारा वो हाइप बना दे, पर अलग है दुनिया, मतलब अलग है भाई, जो लोग अपना काम धंधा करके अच्छा खासा मतलब ढंग से रह रहे हैं कमा खा रहे हैं उन्हें देख के कोई खुश नहीं है, और अच्छी बात है। तुम्हें लोग ऐसे हेट कर रहे हैं तो इसका मतलब तुम सही कर रहे हो, सही रास्ते पे हो, सही ट्रैक पे हो, सही तरक्की कर रहे हो। अरे यार इस चीज़ से याद आई, एक बार बात करनी है भाई, तो भाई एक काम करता हूँ मैं रात को तो वो करने पाया, इस ब्लॉग को यही खत्म करके एडिट करके अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख लो तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जो मेरे भाई ऐसे कई बार आ जाते हैं या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि भाई हम आना चाहते हैं मिलना चाहते हैं, जब मैं रिप्लाई कर दूं बात हो जाए तब आओ, वरना ऐसे मत आया करो, थोड़ा सा अच्छा से नहीं लगता, ठीक है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है बस एक छोटी सी, इसका ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि मेरे को एडिट करके डालना है, लेट हो गया आज का ब्लॉग, अगले ब्लॉग में मिलते हैं।